हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर बॉय लखनऊ वी अमन। और आज हम लोग यहाँ पे लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में, जहाँ पे दूसरा मैच होने जा रहा है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का। एक्चुअली पहला मैच है, लेकिन यहाँ पे दूसरा मैच होने जा रहा है। पहला मैच यहाँ पे इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ का हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग बहुत स्पेशल बच्चों के साथ आए हैं, स्पेशल चीज़ के लिए आए हैं, जिसके बारे में आप अभी थोड़ी देर में जानेंगे। हम लोग स्टेडियम के अंदर पहुँच चुके हैं, और ये रहा स्टेडियम। इतना खूबसूरत लग रहा है स्टेडियम। ये मेरा सेकेंड टाइम है, फर्स्ट टाइम मैं गया था चंडीगढ़ के मोहाली स्टेडियम के अंदर, और बहुत खूबसूरत स्टेडियम है। एक्चुअली मैं यहाँ पे जिस रीज़न से आया हूँ, बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव लिया गया है, और अभी से नहीं, 2009 का इनिशिएटिव है, वो लिया गया था मॉडर्न कॉलेज के द्वारा, और जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। लेकिन मुझसे अच्छा जो इंसान बता पाएगा, मैं अभी कुछ देर में बस आपकी उनसे बात कराऊँगा। वो बताएंगे इसके बारे में कि ये किस रीज़न से हम लोग यहाँ पर आए हैं, और रीज़न क्या है आने का, सब कुछ। बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है, आप सुनेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। तो इस समय हम लोग कान्हा स्टेडियम पहुंच चुके हैं, और हमारे साथ एक ऐसी मैम है जिनकी वजह से मैं यहां पे आया हूं, और वो बताएंगे कि यहां पे आने का हमारा रीज़न क्या है और किन बच्चों के साथ हम लोग आए हैं। तो मैम बताइए। मैम, हाय, आई एम मिसेस पिंकी भाटिया। प्रयास एक अंडर प्रिविलेज स्कूल है, जो कि राजीव तुली जी के अंडर में चलता है। ये हमने शुरू किया था 50 बच्चों से आज 9 साल पहले, और आज हमारे पास 550 बच्चे हैं, जो कि फ्री एजुकेशन और फ्री यूनिफॉर्म, विंटर समर एंड सब कुछ हम उनको फ्री देते हैं। बस दे हैव टू कम, उनको स्कूल आके पढ़ना है, और ये बच्चे यहाँ पे परफॉर्म करने आए हैं। बहुत इनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि हमें इकाना में बच्चे परफॉर्म करने आए हैं। आप लोगों ने जैसे कि जाना कि हम प्रयास क्या है, कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। थैंक यू मैम आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना पिंकी मैम को, उन्होंने प्रयास के बारे में कितनी खूबसूरत बात बताई, तो चलिए मैं भी आपको कुछ दो शब्द बताता हूँ प्रयास के बारे में। प्रयास है क्या? प्रयास 2009 में मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज गोमती नगर द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा स्कूल है जो सेकेंड शिफ्ट में उनके लगता है। उनके स्कूल ख़त्म होने के बाद सेकेंड शिफ्ट में ये स्कूल लगता है, जहाँ पर उन्होंने 2009 में 50 प्लस बच्चों के साथ स्टार्ट किया था, अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ स्टार्ट किया था, जहाँ पे वो उन बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। इस इनिशिएटिव में उनका जो सहयोग देते हैं वो हैं दो और भी फाउंडेशन हैं। एक आपका है कबीर पीस मिशन, और दूसरा है आपका परवास फाउंडेशन। तो चलिए हम लोग ने जान लिया कि प्रयास है क्या, और अब हम लोग का आ गया टाइम इन्जॉय करने का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे यार बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ आने वाले मैच खेलने के लिए, तो हम लोग भी उस चीज़ को इन्जॉय करेंगे। ये रहे हमारे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे। एंड वंस अगेन राजीव तुली सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, जो आपने मुझे यहाँ पे आने का, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने का मौका दिया, अपने प्रयास के बच्चों के साथ। ग्राउंड हम लोग को छोड़ना पड़ा, रीज़न क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली आते टाइम करीब आ रहा है मैच का, और उन लोगों को इंस्पेक्शन करना होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग की सीट है, मेरी सीट यहाँ पे इन बच्चों के साथ है, प्रयास के बच्चों के साथ है। और जब यहाँ पे आए गए तो एक घुमा भी जाए कि है कितना खूबसूरत ये। तो मैं जा रहा हूँ बिल्कुल टॉप पे जा रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ पे क्या है। तो इस समय मैं स्टेडियम के बिल्कुल टॉप वाले फ्लोर पे आ चुका हूँ। यहाँ से ओ बॉय, क्या नज़ारा है, देखने वाला नज़ारा, लिटरली देखने वाला, इतना खूबसूरत लग रहा है स्टेडियम, कुछ कहने को नहीं। ये टॉप फ्लोर है, बिल्कुल टॉप टीयर है, यहाँ पे इतना खूबसूरत लग रहा है स्टेडियम, क्या बताएं। लेकिन यार ऊपर तक आने में हालत बुरी हो गई लिटरली, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑब्वियसली बात है कि पूरा बना नहीं है, मतलब बन चुका है, लेकिन कहीं कहीं पर अभी बीच में स्टेयर्स नहीं थी, दो दो स्टेयर्स वाली ख़तरनाक स्टेयर्स थी। तो स्टिल वर्थ है ऊपर आना, जो भी एक बार आए यहाँ पे ज़रूर। बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, बहुत खूबसूरत स्टेडियम है। थ्री 47 हो रहा है इस समय, और लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं। 6:30 पे मैच है, और बस वेट करें मैच स्टार्ट होने का। उससे पहले हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस है यहाँ पे, प्रयास के बच्चों का, तो वो भी देखेंगे अपना बढ़िया सा। बस तब तक क्या, तब तक वेट कर रहे हैं, अभी बहुत घुमा, पूरा ग्राउंड घूमा, और अब वेट कर रहे हैं मैच स्टार्ट होने का।
पल आ गया है कि जिस समय हमारे सारे प्रयास के बच्चे सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को यहाँ से स्काउट करके स्टेडियम के अंदर लेके जाएंगे जहाँ पे बॉलीवुड 11 के लिए हैं, और उस साइड स्टेडियम के उस साइड वाले डगआउट के अंदर सेलिब्रिटी 11 के हैं। बस हम लोग वेट कर रहे हैं जल्दी से ये लोग आए। और सामने हैं सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड इस चीज़ को लेके। यस मैम, मंत्री जी को मिलने दीजिए, उसके बाद फिर उनसे मुलाकात करते हैं हम लोग। So Sunil Shetty is over there, he is coming. So you can see, आप देख सकते हैं सुनील शेट्टी को, सुनील शेट्टी आ रहे हैं। जितने भी सेलिब्रिटी हैं सब ग्राउंड में जा चुके हैं, बहुत भीड़ उनके साथ, सारे प्रेस वाले, सारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जितने भी उनके फैंस हैं, सब उनके साथ हैं इस समय, वो जा चुके हैं। एंड वी आर जस्ट वेटिंग। सो फाइनली बॉलीवुड 11 टीम आ चुकी है स्टेडियम के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू सेलिब्रिटी 11, जहाँ के सेलिब्रिटी 11 यहाँ पे अपने साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन सब का इंतजार करें हमारे जो सितारे हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, हम सब का। पीयूष चावला जा रहे हैं, अरे सर, पीयूष चावला, रवि कृष्ण जी यहाँ पे हैं। सर सब्सक्राइब करने को बोल दीजिए, सब्सक्राइब करें इनको। अब तो सर नहीं बोल दिया, अब तो कर दो यार सब्सक्राइब। पीयूष जी भाई यहाँ पे, पीयूष हमारे, पीयूष भाई, सारे सेलिब्रिटी 11 इधर हैं, बॉलीवुड 11 उधर हैं। यार इतना अच्छा मौका इतने करीब से कौन छोड़ेगा यार, मैं तो नहीं छोड़ने वाला भाई। हमारे एक और भाई यहाँ पे हैं। तो इस समय अब मुझे बाहर जाने का न्योता मिला कि आप बाहर जाइए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक फोटो मोहम्मद कैफ के साथ या एक बार स्टेडियम ग्राउंड में आ जाए मोहम्मद कैफ के साथ। एंड वी शुड लीव राइट नाउ बिकॉज दे हैव टोल्ड मी कि भागो यहाँ से, अब तुमने बहुत ब्लॉक कर लिया है। सो लेट्स ट्राई, मुझे मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। टीम हमारी ये रही सेलिब्रिटी टीम, मोहम्मद कैफ, पीयूष चावला यहाँ पे हैं और ये लोग आ रहे हैं अभी यहाँ पे, और पूरी कोशिश करेंगे कि उनके साथ एक बार एक पिक खिंचवा पाऊँ या एक कुछ बात कर पाऊँ। मुझे उम्मीद तो नहीं कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन लेट्स ट्राई, होता है कि नहीं होता है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी उधर है लेकिन उधर जाने का मौका नहीं, क्योंकि उधर चले भी जाऊँगा तो कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा रश है कि क्या बताऊँ। सिर्फ प्रेस वालों ने उनको घेर रखा है, तो ऑब्वियसली आते हैं उनसे तो मिल नहीं पाऊंगा।
एंड लेट्स ट्राई मोहम्मद कैफ से एक बार. एंड आई हैव ट्राइड अ लॉट प्रज्ञान ओझा सर, मोहम्मद कैफ सर एंड पीयूष चावला सर. सर हाय कर दीजिए, मेरा ये व्लॉग है यूट्यूब पे जाने वाला है. प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट कर ली कि एक बार इसको सब्सक्राइब कर दें. कर दो भाई. अब तो कह दिया यार, अब तो कह दिया, अब तो कर दो, सबने बोल दिया है. चलिए थैंक यू सर. थैंक यू प्रज्ञान सर, मोहम्मद कैफ सर, बहुत बहुत मेरे फादर आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं. थैंक यू सर. सो फाइनली वी मेट देम. फाइनली यार इतना अच्छा मौका कौन छोड़ता है यार. आई एम गोइंग टू ट्राई टू मीट देम. Now I'm going to try to meet them, to meet Bollywood celebrity. And I know नहीं मिल पाऊँगा मैं, लेकिन still I'm going. एक छोटा सा ट्राई कर रहा हूँ कि मिल लूँ उनसे एक बार. शब्बीर आलू आलिया उधर हैं. सुनील शेट्टी is coming man, he is coming. हेलो, आप प्लीज़ आप सबसे फिल्म प्रार्थना है, प्लीज़ बाहर हो जाएगा हमें, प्लीज़ मैं दिखाई होने दीजिए. सुनील शेट्टी सर इस कमरे में से प्रार्थना करते हैं. फिल्म सुनील सर, सुनील सर प्लीज़ जल्दी आप का यूट्यूब ब्रिंग करना भाई, प्लीज़ हम लोग ले जाएगा. माय गॉड, बहुत गरीब तक पहुंचे उनसे, हाथ मिलाने का मौका नहीं मिला, लेकिन स्टिल इतने करीब पहुंच चुके हैं, अब क्या करूं यार, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. लेट्स ट्राई, और किसी से मुलाकात हो पाती कि नहीं हो पाती, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी, लेकिन देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश रहेगी मेरी. सारी कोशिशें करने के बाद जितने लोगों से मिल सकता था मिल लिया, और जितनी तरीके से छुप सकता था गार्ड से बाउंसर से छुप के सबसे मिल के, बस अब नहीं मिलने दिया गया, मुझे अंदर भेज दिया गया है. कोई नहीं, अब मैच इन्जॉय करेंगे यार, सबसे तो मिलना था, मिल लिए, तो देखने में आगे क्या होता. अब मैं निकल रहा हूँ स्टेडियम से अपने घर की ओर, और मैच ख़त्म ही हो चुका है यार. बॉलीवुड 11 टीम जीत चुकी है सुनील शेट्टी की. यार इतना मज़ा आया, मैं आपको क्या बताऊँ यार, क्या फील आ रहा था. मैंने मैच देखा नहीं, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने मैच बिल्कुल नहीं देखा, थोड़ा बहुत मैच देखा था, लेकिन ग्राउंड में आया, व्लॉग किया, लोगों से नए लोगों से मिला, यार इतना मज़ा आया, इतनी अच्छी फील आ रही थी, क्या बताऊँ यार, बहुत सही बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आई आज हमें. बहुत मैं 1:30 बजे यहाँ पहुँचा था, दिन के 1:30 बजे मैं यहाँ पे पहुँचा था. 1:30 बजे से इस समय रात के 11 बजे में, 11 बजे मैं निकल रहा हूँ. 10:47 हो रहे हैं, मैं यहाँ से इस समय निकल रहा हूँ. मुझे घर पहुँचने में भी ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन जितना टाइम भी मैंने यहाँ पर बिताया वर्थ था, वो बहुत मज़ा आई. सो अब ये व्लॉग मे भी आप लोग देखें, यार बहुत फंबल कर रहा हूँ आज मैं, मे भी आप लोग ये व्लॉग मेरा देखें मंडे को या फिर ट्यूसडे को, लेकिन जब भी देखेंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड से कहिएगा, शेयर करिएगा मेरे इस वीडियो को, लोगों को कहिएगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मुझे आप लोग सपोर्ट करें मेरे चैनल को ग्रो करने में. और ये वीडियो आपको जैसी भी लगे, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ना अच्छी लगे तो बिल्कुल डिसलाइक करिएगा, लेकिन जैसी लगे प्लीज़ 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 बटन ज़रूर दबाइएगा लाइक या डिसलाइक का. और मेरी नेक्स्ट वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ऑब्वियसली आते आप लाइक करोगे, तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन एक होगा, सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा, प्लीज़ उसे भी दबा दें, सो दैट फ्यूचर में जब भी मेरी कोई भी वीडियो आए आप लोगों को टाइम पे मिल पाए. अब पता नहीं नेक्स्ट वीडियो मेरी कब आएगी. बहुत खूबसूरत स्टेडियम, जो बात है यार, ये स्टेडियम
बहुत लाजवाब है, बहुत माशाल्लाह बहुत बेहतरीन स्टेडियम बनाया है। इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 50,000 और यहाँ पे आज थे अराउंड 20-30,000 लोग थे। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो आई डोंट नो कब आएगी, जब भी आएगी आप लोगों को पता चल जाएगा। सो विल सी यू सून, टिल देन बाय बाय। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लखनवी अमन के चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं उसको, उनसे हम अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लखनवी अमन है और हम सब अमन के लिए काम करते हैं। बहुत गजब का चैनल है इनका। थैंक यू, लव यू।